तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि कल या परसों मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो आज मैं आप लोगों का क्वेश्चन का फर्स्ट टाइम अपना चैनल पर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन किए हैं लोग उसका मैं फर्स्ट टाइम आंसर देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है मैं उसका इस वीडियो में आंसर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, कुमार स्ट्रीट फूड ने मुझे मैसेज किया है, मुझे एक बात समझ नहीं आती मैम, मेरा व्यूज तो ठीक आ जाता है पर वॉच टाइम कम आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अगर मान लीजिए आप अपने चैनल पर 5 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं और वो वीडियो लोग 5 मिनट नहीं देख रहे हैं, जैसे कि 50 व्यूज आया है आपके चैनल पर और 5 मिनट का आपने वीडियो डाला है, तो उसके हिसाब से आप अपना दिमाग लगाते होंगे कि मुझे 5 मिनट का मैंने वीडियो डाला है, इसमें 50 व्यूज आया है तो उसी के अकॉर्डिंग वॉच टाइम मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी वीडियो देखते हैं कुछ लोग स्टार्टिंग में छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देख के चले जाते हैं, तो वो व्यू तो आपको काउंट हो जाता है, लेकिन वॉच टाइम तो वो 1 मिनट देखेंगे तो 1 मिनट ही आपको मिलेगा ना, 5 मिनट नहीं मिलेगा। तो बहुत क्रिएटर जो भी आपका वीडियो देखते होंगे, जो भी लोग देखते होंगे, तो उसमें से 1 मिनट 2 मिनट कुछ लोग 3 मिनट देखते होंगे, बाई चांस कुछ लोग 5 मिनट देखते होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वॉच टाइम मिलता है, ना कि आपका जितना व्यूज आया है उसी के अकॉर्डिंग आपको वॉच टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपका व्यूज अगर ज़्यादा आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉच टाइम भी उस वीडियो पर ज़्यादा मिला होगा। तो आई होप आप ये आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, टेक्निकल स्वास्तिक ने मैसेज किया है, आप वीडियो बनाने के लिए कौन सा फ़ोन यूज करते हो और यूट्यूब पर आपके गुरु या सर कौन है? तो देखिए, मैं अपना चैनल पर ज़्यादा मतलब कि महंगा फ़ोन नहीं है, मैं रेडमी 9 यूज करती हूँ और इससे पहले मेरा MI का एक फ़ोन था, ये 7-8 हज़ार का, तो वही यूज करती थी, उसी मोबाइल से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। और अब जाके समझिए कि यही 7-8 महीना पहले मैंने ये रेडमी 9 का फ़ोन लिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे शायद 10 हज़ार के आसपास पड़ा था, ज़्यादा महंगा फ़ोन मेरे पास नहीं है, मैं उसी से सब कुछ करती हूँ, एडिट शूट सब कुछ उसी से करती हूँ। और रही कि आपने यहाँ पे पूछा है कि मेरा गुरु कौन है, तो देखिए मैं जब यूट्यूब पे आई थी तो कोई भी क्रिएटर यूट्यूब पर आते तो उनको यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता रहता है, तो मैं भी जब यूट्यूब पर आई थी तो ऐसे ही यूट्यूब के बारे में देखती थी कि यूट्यूब पर काम कैसे करते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे लाते हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं, इस तरह का देखते मुझे लकी पांडे का वीडियो मिला था और फर्स्ट टाइम मैंने उन्हीं का वीडियो देख के सीखा है कि चैनल कैसे बनाए, यूट्यूब पर ग्रो कैसे होना है, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बनाना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने उन्हीं का वीडियो देख के यूट्यूब के बारे में सीखा था, तो नाम भी मैं उन्हीं का लूँगी क्योंकि उनका वीडियो देख के ही मैं यूट्यूब पर अपना काम करना शुरू की हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने लकी पांडे का वीडियो देख के यूट्यूब पर आई हूँ, तो मेरा समझिए कि गुरु भी वही है। आई होप आपका भी एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, संजू टेक मेडिया ने पूछा है, आप कहाँ से हो दीदी, आपकी यूट्यूब से पेमेंट आती है, सबका व्यूज डाउन क्यों हो रहा है? तो देखिए, मैं न्यू दिल्ली से हूँ, वैसे तो मेरा गांव है बिहार में, यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली में किराए पर रहती हूँ और यहाँ पे आप पूछे पेमेंट आती है, तो देखिए मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था और सेकेंड अब आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। अब आपने पूछा है सबका व्यूज डाउन क्यों चल रहा है, तो देखिए कुछ लोग, आप लोगों को पता ही है कि कुछ YouTube पर जब आप वीडियो डालते हैं और उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं आपका वीडियो 1-2 सेकंड देख के और वो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं, तो वैसा व्यूज़ काउंट नहीं होता है, उसका व्यूज डिक्रीज होता है। उसके बाद आप अपना व्यूज़ के लिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई ऐप वगैरह यूज करते हैं, तो वो व्यूज़ सभी काउंट नहीं होता है, कोई भी एप्लीकेशन या आपने वेबसाइट से व्यूज लिया है तो वैसा व्यूज़ स्पैम हो जाता है, आपका चैनल पर वो व्यूज़ नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर कुछ लोगों का व्यूज़ गलत तरीके से आ रहा है तो ये व्यूज़ डाउन होगा ही, क्योंकि ये चैनल पर चाहे आपका 6 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो या 10 दिन बाद हो, लेकिन स्पैम व्यूज़ जो रहता है, आपने गलत तरीके से अपने चैनल पर व्यूज़ बढ़ाया है, ये व्यूज़ सब आपके चैनल पर नहीं रहता है। तो मैंने आपका सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप कहाँ से हो मैडम, बिहार में कौन सा ज़िला? तो देखिए, मैं बिहार से मुजफ्फरपुर से हूँ, मेरा वहीं पे मुजफ्फरपुर में मेरा गांव है, अभी तो फ़िलहाल मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सब्सक्राइबर को कैसे छुपाए मैडम?
तो भाई अभी कुछ टाइम पहले ही अपडेट आया है कि आप अपना चैनल का सब्सक्राइबर नहीं छुपा सकते। पहले तो छुपा सकते थे, हाइड कर सकते थे, लेकिन अब जाके अपडेट आ गया है, सभी के जो भी सब्सक्राइबर है वो हाइड नहीं रहेगा, सबका सब्सक्राइबर दिखेगा। तो आपका चैनल का जो सब्सक्राइबर है उसको आप नहीं छुपा सकते हैं। तो आई होप आपका क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, राजीव खन्ना पूछ रहे हैं, ये बताओ मैम मेरा वॉच टाइम रोज़ कम क्यों हो जा रहा है। तो देखिए भाई, अगर आपका चैनल पर कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन से वॉच टाइम आ रहा है तो वैसा वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, वैसा वॉच टाइम आपका डिक्रीज होगा ही। या फिर आपका ये हो सकता है कि आपको अपना वॉच टाइम चेक नहीं करने आ रहा है सही तरीके से, आप अपना चैनल का वॉच टाइम चेक करें। उसके अलावा अगर आप अगर अपना वीडियो क्या करते हैं कि अलग अलग प्लेलिस्ट बनाते हैं और अपना अलग अलग फ़ोन से यूज़ करते हैं और वो वीडियो को रिपीट करते हैं, अलग दो तीन फ़ोन रखे हैं और उससे अपना वीडियो चलने के लिए छोड़ देते हैं, लगातार आपका वीडियो चल रहा है और वहाँ से जो व्यूज वॉच टाइम जो भी मिल रहा है तो वो वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, वो वॉच टाइम भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। गलत तरीके से जो वॉच टाइम आता है तो वो डिक्रीज हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आप एप्लीकेशन से, वेबसाइट से या फिर आप अपना फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं या दूसरे का फ़ोन से अपना खुद का वीडियो खुद चला के छोड़ दिए, उसमें ना कोई लाइक मिला है, ना कमेंट मिला है, ना कुछ भी मिला है, तो वैसा व्यूज आपका डिक्रीज हो जाता है, वॉच टाइम भी डिक्रीज हो जाता है और आप लोग फिर बाद में सोचते हैं कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि YouTube पर काम करें, YouTube पर डेली वीडियो डालें, अच्छा अच्छा कंटेंट डालें और इसके चक्कर में ना रहे कि आप अपना वीडियो को प्लेलिस्ट में लगा देंगे, खुद का मोबाइल से खुद देख के वॉच टाइम का और सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा करके अपना चैनल को मोनेटाइज कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि चैनल को मोनेटाइज करने से कुछ नहीं होता है जब तक कि आपका चैनल पर व्यूज़ नहीं आएगा। और आप मान लीजिए कि आपने सब्सक्राइबर या वॉच टाइम इधर उधर से कंप्लीट कर भी लिया है तो आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो गया है तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आपका चैनल पर अच्छा खासा व्यूज़ ना आए तब तक आप यहाँ से कोई भी कमाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।